नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम विपाल और आप देख रहे हैं एमपी ब्लॉग्स चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रंट साइड जजमेंट के बारे में। दोस्तों गाड़ी का, जब हम गाड़ी चलाते हैं ट्रैफिक में या फिर हम जब कहीं गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं तो उस समय हमें फ्रंट साइड का जजमेंट किस तरीके से करना चाहिए, आज की वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर दोस्तों पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबा लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत हो सके। तो चलिए दोस्तों अभी कुछ प्रैक्टिकली कर लेते हैं और गाड़ी को ले चलते हैं रोड पर और फिर देखते हैं कि रोड साइड में हम जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है या फिर जब हम हाईवे पर चल रहे होते हैं तो हमें कितना स्पेस गाड़ी का लेकर के चलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं गाड़ी को लेकर रोड पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी रोड पर और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे आगे चल रही है गाड़ी। और ये दोस्तों कोई वैसा हाईवे नहीं है बड़ा, लेकिन ये डबल लेन हाईवे है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे आगे जो गाड़ी चल रही है वो हमसे काफ़ी आगे चल रही है और लगभग हमें इतनी दूरी तो बनाकर चलनी ही चाहिए। जैसे कि कुछ लोग दोस्तों अपने गाड़ी के ब्रेकिंग के बारे में पता होता है कि हमारी गाड़ी किस ये कितनी दूरी में रुक जाएगी जैसे गाड़ी चलते समय, और हमारी गाड़ी की ब्रेकिंग कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब है। ये जब हम रेगुलर गाड़ी अपनी चला रहे होते हैं हमें पता होता है, उसी हिसाब से हमें पहले तो अगर हाईवे चल रहे हैं तो उसी तरीके से हमें उतना स्पेस दे के चलना चाहिए गाड़ी के बीच में। लेकिन जब हम कोई नई गाड़ी चला रहे हो तो उस समय हमें नहीं पता होता है कि उसकी ब्रेकिंग कैसी है और कितनी देर में कितनी जगह में हमारी गाड़ी रुक जाएगी, तो उसके लिए हमें एक सेफ डिस्टेंस चाहिए होती है। तो उसके लिए उसको हमें करना ये है कि जैसे हम अपनी किसी भी स्पीड में गाड़ी चला रहे हों तो उस वक्त हमें ये कुछ, जैसे आप गिनती ले लीजिए जैसे 1 2 3, तो लगभग हमें 1 2 3, जैसे हम 3 गिनती कर सकें इतना टाइम हमारे पास होना चाहिए गाड़ी को स्पेस बीच में, जैसे एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी के बीच में। ये तो है दोस्तों हाईवे का मामला। जैसे कि अभी देख सकते हैं मेरी गाड़ी काफ़ी पीछे चल रही है, हालांकि ज़्यादा स्पीड नहीं है, यहाँ पे लगभग 40 या 50 की ही स्पीड में गाड़ी चल रही है। ये तो है नॉर्मल स्पीड। और जब आप जब कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे या फिर कहीं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, उस समय हमें कैसे जज करना चाहिए कि हमारी गाड़ी मतलब कितना स्पेस हमें रखना चाहिए कितना नहीं रखना चाहिए, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। उसके लिए तो आसान सॉल्यूशन है कि हम अपनी गाड़ी के जब चला रहे हो तो हमें स्पेस कितना रखना है। दोस्तों हमें स्पेस इतना रखना है कि हमें जो है हमारी गाड़ी का जो आगे का है रोड दिखता रहे आसानी से, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्लोज ले जाएंगे गाड़ी को और हमें रोड नहीं दिखेगा तो जो गड्ढे होते हैं रोड पे वो हमारी गाड़ी उनमें धस सकती है, हमारी गाड़ी गड्ढों में चली जाएगी। क्योंकि जो हमारे आगे गाड़ी चल रही होती है हमें नहीं पता किस साइज़ की गाड़ी चल रही है, उसके पहिए गड्ढे में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी गाड़ी छोटी है या बड़ी है तो वो जा सकती है। और ट्रैफिक में दोस्तों हमें ये करना है कि हमें जो सामने आगे हमारी जो गाड़ी चल रही है उसके बम्पर का सबसे निचला हिस्सा हमें दिखना चाहिए गाड़ी का, तभी हमारी गाड़ी और जो हमारे आगे गाड़ी चल रही है उसके बीच में सेफ डिस्टेंस रहेगा। अगर हम इससे ज़्यादा डिस्टेंस को कम कर देंगे तो दोस्तों, जैसे अगर फ्रंट में जो हमारी गाड़ी है उसको थोड़ा बहुत बैक करना पड़ रहा है तो उस समय दिक्कत हो सकती है, इसीलिए थोड़ा स्पेस बनाकर ही रखना चाहिए। और बहुत ज़्यादा स्पेस भी बीच में ना रखें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्पेस बीच में होता है तो कोई बाइक वाला है या कोई भी बीच में लगा देगा आपकी गाड़ी के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। इसीलिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हम कितना स्पेस बीच में दे कर चल रहे हैं। और दोस्तों कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जैसे जिस जगह हम जैसे बैठ के चला रहे हैं उस गाड़ी का बोनट थोड़ा ज़्यादा ऊँचा होता है और गाड़ी थोड़ी बोनट थोड़ा ऊँचा होता है और हम बैठे थोड़े नीचे हिस्से में होते हैं, उस समय हमें गाड़ी का जो बम्पर है वो दिखना चाहिए निचले हिस्से में, बता ही चुका हूँ। और अगर आप उससे उसके अलावा भी कोई और चाहते हैं तो आपके जो गाड़ी के वाइपर होते हैं उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों हमारी गाड़ी के जो वाइपर और जो हमारे आगे गाड़ी चल रही होती है उस गाड़ी का बम्पर दोस्तों दोनों मिले हुए होने चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए। और दोस्तों जब आप हम पार्किंग में गाड़ी को लगा रहे होते हैं कहीं पे या गाड़ी हम खड़ी कर रहे होते हैं उस समय अगर लाइट जला सकते हैं आप तो लाइट का सहारा ले लें। जब हमारी लाइट की रोशनी आपस में जब मिल रही होती है उस समय काफ़ी स्पेस होता है, और जब लाइट की रोशनी अलग होनी शुरू हो जाए दोनों लाइटों की उस समय लगभग 1 फीट या आधा फीट की दूरी जब हो जाए उस समय हमें गाड़ी रोक देनी चाहिए और वो लगभग सेफ डिस्टेंस होती है। और अगर लाइट की रोशनी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी मतलब आपस में बिल्कुल जरा सी रह जाएगी उस समय हमारी गाड़ी आगे जाके इम्पैक्ट कर सकती है, इसीलिए ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी गाड़ी की जो लाइट है जैसे ही थोड़ी थोड़ी अलग हो, इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ी सी अलग हो रही है,
तो ये सेफ डिस्टेंस है, लगभग 1 से 2 कदम की दूरी बची हुई है। तो यही है दोस्तों फ्रंट साइड का जजमेंट, आपको इसी तरीके से लेकर चलना चाहिए फ्रंट साइड का जजमेंट की, ताकि हमारी गाड़ी किसी आगे वाली गाड़ी से ना लगे या ना टकराए। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।